हेलो फ्रेंड्स, आज टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं क्लास 11 से और जो चैप्टर है वो है लिमिट्स। ये क्वेरी में भेजा है वेदांत ने इलाहाबाद से। क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है पर थोड़ा सा ध्यान देने वाला, देखो इसका लिमिट है, लिमिट एक्सटेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी लिखा हुआ है। पहली बात याद रखिएगा कि माइनस इन्फिनिटी को जब तक आप प्लस इन्फिनिटी नहीं बनाओगे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता। बहुत आसान तरीका है, याद रख सकते हो तरीका। देखो क्या लिखा हुआ है, लिमिट वाई टेंड्स टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, तो फिर वो माइनस कहाँ गया? इसका मतलब कि जहां लिखा है x वहां आप क्या पुट कर दोगे, वहां पुट कर दोगे आप माइनस वाई। बस यही इस क्वेश्चन का ट्रिक है और कुछ नहीं। तो देखो अगला स्टेप क्या आ गया, 5 x में क्या डाल दिया मैंने, माइनस वाई प्लस 6 होल अपॉन अंडर रूट ऑफ 4, x की जगह माइनस वाई होल स्क्वायर लगा, आप भी लगाइए माइनस 8। तो लिमिट y टेंड्स टू इंफिनिटी, अब देखिए कितना आ गया, माइनस 5y प्लस 6 होल अपॉन अंडर रूट ऑफ 4y स्क्वायर माइनस 8, क्योंकि माइनस पे स्क्वायर लग रहा है तो माइनस कोई फर्क तो डाल नहीं पाएगा। अब x टेंड्स टू इन्फिनिटी में दो कंडीशनों पर ध्यान रखना होता है कि एक तो आपके पास डिनोमिनेटर मौजूद होना चाहिए, तो पहला केस डिनोमिनेटर तो है, और दूसरा आपको हमेशा न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में y से ही डिवाइड करना है, बस ये ध्यान रखना, ठीक है। अगर क्वेश्चन में x होता तो x से डिवाइड करते हैं, सिंपल सी बात है। तो लिमिट y टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो चलो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में y से डिवाइड करो, तो कितना आएगा, माइनस 5y अपॉन y प्लस 6 अपॉन y होल अपॉन अंडर रूट ऑफ। लेकिन ट्विस्ट है छोटा सा, अगर आप किसी चीज को y से डिवाइड करो लेकिन वो चीज अंडर रूट के अंदर हो तो पक्की बात है वो y क्या बन जाएगा, y स्क्वायर। देखो बताता हूं मैं, y अपॉन y, लेकिन एक दिक्कत है, मेरा y अंदर है, अब मुझे ये वाला y रूट के अंदर ले जाना है तो पक्की बात है ये y स्क्वायर होगा। क्यों? इस y स्क्वायर को रूट से बाहर करो तो y ही बनेगा। इसका मतलब कि जब आप y को स्क्वायर रूट में ले जाओगे तो y स्क्वायर हो जाएगा, ओके, क्यूब रूट में ले जाओगे तो y क्यूब हो जाएगा, फोर्थ रूट में ले जाओगे तो y की पावर 4 हो जाएगा। तो ध्यान रखना हम ऊपर नीचे y से डिवाइड करेंगे लेकिन रूट के अंदर जब y जाएगा तो y स्क्वायर बनकर जाएगा। तो देखिए 4y स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर माइनस 8 अपॉन y स्क्वायर। अगला स्टेप लिमिट y टेंड्स टू इंफिनिटी, कितना आ गया देखिए, ये कैंसिल आउट हो गया, तो माइनस 5 प्लस 6 अपॉन y होल अपॉन अंडर रूट ऑफ, ये फिर कैंसिल हो गया तो बचा 4 माइनस 8 अपॉन y स्क्वायर। ये y में इंफिनिटी डालिए, लेकिन दिक्कत है जब आप लिमिट को इंसर्ट करते हो तो लिमिट लिखना बंद कर देते हो, तो कितना आएगा, माइनस 5 प्लस 6 अपॉन इंफिनिटी होल अपॉन अंडर रूट ऑफ 4 माइनस 8 अपॉन इंफिनिटी स्क्वायर। अगर किसी भी टर्म को इन्फिनिटी या इन्फिनिटी स्क्वायर से डिवाइड करो तो टर्म बन जाती है 0, तो आंसर कितना आ गया, माइनस 5 प्लस 0 होल अपॉन 4 माइनस 0, तो लिखने की जरूरत नहीं है, तो माइनस 5 अपॉन 2 इज द फाइनल आंसर। ध्यान रखिएगा जो माइनस इन्फिनिटी है उसको प्लस बना के जिस लेटर से आपने उसे एक्सचेंज किया है, वाई से एक्सचेंज किया है, तो उसमें माइनस लगा दीजिए। एक क्वेश्चन और करके दिखाता हूँ, चलिए अगला क्वेश्चन भी लिख दिया है, इस क्वेश्चन में भी इन्फिनिटी में माइनस लगा हुआ है, तो सबसे पहले माइनस हटाएंगे, वो कैसे हटता है, y tends to infinity लिख दीजिए और x की जगह क्या लिख दीजिए, माइनस 5, मतलब आपने उस x को जिस लेटर से रिप्लेस किया होता है, क्योंकि मैंने y से रिप्लेस किया है, उसमें माइनस लगा दीजिए, बस यही फंडा है इसका। तो अंडर रूट ऑफ माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 5 प्लस माइनस 5, सही से रीअरेंज कर लेते हैं पहले, लिमिट y tends to infinity, तो ये हो गया y स्क्वायर माइनस y और माइनस का y। तो सबसे पहली कंडीशन क्या है कि अगर x tends to infinity है तो आपके पास डिनोमिनेटर का होना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन में डिनोमिनेटर नहीं है, पहले डिनोमिनेटर बनाएंगे, वो कैसे बनाएंगे, इस पूरे टर्म को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके लेकिन ये वाला साइन रिवर्स कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए अगले स्टेप पर क्या लिखेंगे, तो अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस वाई से मल्टीप्लाई भी किया और मैंने डिवाइड भी किया, और ये सिर्फ मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मुझे डिनोमिनेटर चाहिए इसका, बिना डिनोमिनेटर के वाई टेंड्स टू इंफिनिटी वाले क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते। तो देखो ऊपर a माइनस बी ए प्लस बी, तो वॉट इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसमें a की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस वाई, और b का वैल्यू क्या होगा, y, तो चलिए ए स्क्वायर मतलब अंडर रूट ऑफ वाई माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होल अपॉन, डिनोमीटर में तो कोई चेंज आएगा ही नहीं, वो रहेगा एज इट इज, ठीक। अब रूट भी लग रहा है स्क्वायर भी लग रहा है, तो रूट भी गया स्क्वायर भी गया, तो लिमिट y tends to infinity y square minus y minus y square होल अपॉन, डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं आने वाला, वो बिल्कुल सेम रहेगा। चलिए नेक्स्ट स्टेप देखिए, ये चला गया हमारे पास, तो क्या बचा हमारे पास, लिमिट y tends to infinity क्या बचा, माइनस y अपॉन अंडर रूट ऑफ y square minus y और प्लस का
y। अब दूसरी कंडीशन कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को y से डिवाइड कर दीजिए। चलिए वही करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को y से डिवाइड करते हैं, तो माइनस वाई अपॉन वाई होल अपॉन अंडर रूट ऑफ। लेकिन दिक्कत वही है, अगर y को रूट के अंदर जाना है तो y स्क्वायर बनकर जाएगा, तो चलिए यहाँ y स्क्वायर से डिवाइड होगा, तो y स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर प्लस y अपॉन y, क्योंकि यहाँ तो कोई रूट है नहीं तो y से ही डिवाइड किया जाएगा। तो देखिए क्या बन गया हमारे पास, लिमिट y टेंड्स टू इन्फिनिटी माइनस वन अपॉन अंडर रूट ऑफ वन माइनस वन अपॉन वाई और प्लस का वन। चलिए y की जगह इन्फिनिटी डाल दीजिए, क्योंकि हम लिमिट इंसर्ट कर रहे हैं तो लिमिट लिखना बंद कर देंगे हम यहाँ पर, तो माइनस वन अपॉन अंडर रूट ऑफ वन माइनस वन अपॉन इन्फिनिटी और प्लस का वन। अब व्हाट इज वन अपॉन इन्फिनिटी, किसी भी चीज के नीचे इन्फिनिटी हो तो जीरो हो जाता है आंसर, तो माइनस वन अपॉन अंडर रूट ऑफ वन प्लस वन दैट इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन व्हाट इज अंडर रूट ऑफ वन दैट इज वन, वन प्लस वन और आंसर इज माइनस का हाफ। तो ये क्वेश्चन थे जिसमें x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी के लिए पहले आपको उसको प्लस बनाना था और जिस लेटर से आप उसे रिप्लेस कर रहे हो उसके अंदर माइनस इंसर्ट करना था, ठीक है। तो ये फिनिश हुए हमारे दोनों क्वेश्चन। हमारे व्यूअर्स को अगर हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट शेयर लाइक भी कर दें, और आपको अगर किसी तरह का कोई क्वेरी है तो आप अपना क्वेरी हमारे व्हाट्सएप नंबर पे जो नीचे लिखा हुआ आ रहा है उस पर सेंड कर सकते हैं। आप हमारे इस चैनल को अपने दोस्तों में, कलीग्स में, फ्रेंड्स में शेयर कर दें, और किसी भी तरह का कोई क्वेरी है अगर किसी भी क्लास के लिए मैथमेटिक्स से जुड़ा हुआ तो आप हमें सेंड कर सकते हैं, उसका सोल्यूशन हम जल्दी से जल्दी देने का कोशिश करेंगे।